हेलो गाइस, ये हम है, ये हमारा भाई है और ये हमारा भाई का स्कूटी एक्टिवा। आप देख सकते हैं इस इंसान को, इसको ये भी पता नहीं है कि गाड़ी लेने के बाद इंजन ऑयल डालना पड़ता है। इसको पता ही नहीं कि इंजन ऑयल होता क्या है। इसको इतना ही पता है कि गाड़ी लो, पेट्रोल डालो, बस गाड़ी चलाओ। इंजन ऑयल नहीं डालने के कारण से इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या झटका लगा है बताएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा यानी कि गाड़ी को खोल चुका है, इंजन पूरा मतलब खोल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से। हम लोग अभी हैदराबाद का हैदनगर मार्केट में, ये है बाइक सर्विसिंग सेंटर। देख सकते हैं इस तरह से सब स्टाफ है, आराम से बाइक यानी कि सर्विसिंग कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि वहाँ ऑल टाइप ऑफ बाइक रिपेयरिंग है, वाटर वॉशिंग यानी कि सभी प्रकार का बाइक यहाँ रिपेयरिंग किया जाता है और यानी कि उसको धोया भी जाता है, वॉशिंग भी किया जाता है। सुविधा बहुत अच्छा है, देख सकते हैं बिल्कुल यानी कि पास में है। यहाँ सब सक भी दुकान है, यानी कि बाइक भी करवाते यहाँ नाश्ता भी कर सकते हैं। देख सकते हैं पास में पेट्रोल पम्प ये है, ये हाईवे है, सड़क कर देख सकते हैं, गेरा रोड, इधर होटल भी है। और देख सकते हैं हम लोग इमली का पेड़ के नीचे खड़े हैं। देख सकते हो बहुत बड़ा इमली का पेड़ है, आराम से देखे एकदम गाल पे हाथ रख के बैठे हुए, लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके पता नहीं कि आप लोग अगर बाइक चलाते हो दोस्तों तो एक ख्याल रखना कि बाइक में पेट्रोल हो या ना हो, लेकिन इंजन वाल समय समय पर बदलते रहना, तो पता चलेगा कि इंजन ऑयल ख़त्म होने के चक्कर में आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगर स्कूटी है तो 10,000, अगर ऐसे नॉर्मल गाड़ी है, अगर स्प्लेंडर प्लस है कुछ भी, तो उसमें भी 7-8,000 लग जाता है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा एकदम गाड़ी को खोल चुका है और फिर रिपेयरिंग कर रहा है। पता नहीं दो दिन में बोल रहा है कि 4 दिन में देगा पूरा गाड़ी ठीक करके, पता नहीं कब दे रहा है। देखिए दोस्तों गाड़ी, देखिए दोस्तों अपना स्कूटी खुल रहा है किस तरह से, पूरा एकदम इसको खोल चुका है। आप देख सकते हैं अलग अलग इसका सब पार्ट अलग अलग कर दिया है खोल के। देख सकते हैं दोस्तों अभी पूरा गाड़ी तो खुल चुका है। अब थोड़ा पैसा का बात हो रहा है, यानी कि 10,000 रुपये मांग रहे हैं दोस्तों, यानी कि इसकी गलती की वजह से, क्योंकि अगर समय समय पर अगर इंजन ऑयल अगर डालते रहता तो ये दिक्कत ना आता। इसको ये भी पता नहीं है कि बाइक खरीदने के बाद इंजन ऑयल डालना होता है, उन्होंने 6 महीने से इंजन ऑयल नहीं डाला और जिसका नतीजा आज है कि 10 रुपये चूना लग रहा है। यार आप लोग की गलती नहीं कि अगर आप लोग अगर बाइक चलाते हैं तो समय समय पे यानी कि उसका इंजन ऑयल डालते रहिए और उसको चेक करते रहिए, क्योंकि जिस जो आपका साधन है, जिस पर आप चलते हैं, हर जगह जाते हैं, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसका अगर ख्याल रखेंगे, उसको सही से रखेंगे, तभी वो आपको यानी कि सही से सब जगह पहुँच जाएगा। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों यार, यही बाइक बाइक मैकेनिक का यानी कि बॉस है यहाँ का। बात देखते हैं
सिंधु बाइक पॉइंट, यहाँ ऑल सभी तरह का बाइक सर्विसिंग और रिपेयरिंग किया जाता है। हैत नगर इस जगह का नाम है, हैदराबाद हैत नगर। लेकिन और बाइक को माथा पर के सर पर के बैठा हुआ है। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इसको ये पता नहीं है कि बाइक खरीदने के बाद उसमें इंजन ऑयल भी डालना होता है। 6 महीने से इंजन ऑयल नहीं डाला लगा था, तो क्या होगा बाइक का हाल? क्योंकि दोस्तों बाइक में मोबिल बाइक का नियम है क्या, बाइक में आप पेट्रोल कम डालो कम रखो, लेकिन समय समय पे इंजन ऑयल बदलते रहो। बाइक में अगर पेट्रोल ना भी रखो चलता है, लेकिन इंजन ऑयल समय समय पे डालना बहुत ज़रूरी है। अगर इंजन ऑयल समय समय पे ना डाले तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है आपका बाइक, यानी कि पूरा इंजन जाम हो सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, ये मिस्त्री साहब यही ठीक कर रहे हैं हमारे गाड़ी। अब देख सकते हैं दोस्तों, मेरा भाई इधर अभी एक पैसा गिन रहा है मिस्त्री को देने के लिए, मैकेनिक को। और आप भी ये गलती अगर करेंगे तो आपको भी यानी कि लगने वाला है चूना। देखो देखो दोस्तों, इंजन पूरा एकदम, देख सकते हैं दोस्तों पूरा एकदम गाड़ी यानी कि इसका स्कूटी एक्टिवा स्कूटी है, पूरा खोल खाल के इसको रखा हुआ है। देखिए मेरा भाई अभी पैसा गिन के दे रहा है मिस्त्री साहब, बोला कि हाँ देखिए अच्छा, मिस्त्री साहब बोले कि अच्छा से बाइक ठीक कर देंगे। अगर आप ये गलती करते हैं कि अगर बाइक खरीदने के बाद अगर इंजन ऑयल नहीं डालते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है दोस्तों, इसीलिए समय समय पर इंजन ऑयल डालते रहिए। मोबिल पेट्रोल डालिए ना डाले गाड़ी में चलेगा, लेकिन कभी भी देखिए उसमें इंजन ऑयल का कभी मत कीजिए। टाइम टाइम पे आप उसमें इंजन ऑयल डालते रहिए, यानी कि 2,000 से 3,000 किलोमीटर चले तो इंजन ऑयल डालते रहिए, और कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है चेक करवाते रहिए। हो सकता है आपका छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है आगे चलते, या आपको 10,000 का झटका लग सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यही हमारा बाइक यानी कि ठीक करने के लिए दिया है दोस्तों, और बोल रहा है कि कल शाम को मिलेगा बाइक, तब तक हम लोग अपना रूम आ चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं पता नहीं इसको कुत्ते को क्या समस्या है दोस्तों, इतना भोग रहा है साले आज तो दोस्तों। 10,000 रुपये का चूना लग गया इसे इस खाली बिजली से। मैं 10,000 का नुकसान हो गया, मैं मालूम ही नहीं था कि स्कूटी लेने के बाद उसमें ऑयल भी डालना पड़ता है, उतना मेरे को नहीं मालूम। सिर्फ पेट्रोल डाला था और स्कूटी चला रहा था, लेकिन अचानक से स्कूटी बंद हो गया, और बंद होने के बाद कल नाइट को बंद हुआ था। आज सुबह हम लोग काम पे भी नहीं गए क्योंकि स्कूटी एक्टिवा में ही काम पे जाते थे हम लोग, बहुत दूर लगभग 10-15 किलोमीटर दूर। तो आज तो बिल्कुल छुट्टी है क्योंकि काम पे नहीं गया, और सोच रहे थे कि 2-4 हज़ार रुपया खर्चा होगा, लेकिन मैं उसका इंजन ही मतलब पूरा बांध हो गया, होल्ड हो गया, इसके लिए 10,000 का चूना लग गया। वो क्या कर सकता हूँ, तो गाड़ी नहीं तो कहाँ पे भी नहीं जा सकते ना, इसके लिए वो जाके बनाने दिए। वो बोला कि कल शाम तक देना देता, बोला 4 दिन टाइम लगता मगर थोड़ा अर्जेंट है बोल के कल शाम तक देता बोला। तो देखते हैं गाइस क्या कर सकते हैं, आप देना तो पड़ेगा गाड़ी होना बनने के बाद कहाँ पे जा सकते हैं। तो चलो फिर कार का वीडियो में देखेंगे गाड़ी अच्छा होने के बाद कि किस प्रकार से मतलब गाड़ी पूरा चेंजिंग हुआ पाए, जैसे उसका पूरा इंजन ही चेंज हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतने ऐसा गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि 10,000 का नुकसान हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल में मेरा और मेरा भाई का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, सो चलो मिलते हैं, ओके बाय।